टीकमगढ़ कॉलोनाइजरों का अवैध व्यापार जमकर फल फूल रहा है और कॉलोनाइजर लोगों को सपने दिखाकर महंगे दामों पर प्लॉट बेच रहे हैं, जबकि ये कॉलोनियां पूरी तरह से अवैध हैं। जिले में 116 अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं, शहरी इलाके में 34 और ग्रामीण इलाकों में 32 अवैध कॉलोनी काटी जा रही हैं, लेकिन इन कॉलोनियों का रेरा में पंजीयन ही नहीं है। यही नहीं, कॉलोनी काटने से पहले जमीन का डायवर्जन भी यहां नहीं कराया गया है। खेती की जमीन में अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है। उपभोक्ता को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, नाली रोड लाइट इनका अभाव है और बड़े महंगे दामों में बेची जा रही है। इसलिए जिला प्रशासन से गुजारिश अपन तो यही करेंगे कि उपभोक्ताओं को या तो सुविधा दिलाई जाए या कॉलोनियों पे पाबंदी लगाई जाए। आपने सही कहा, ये आम जनता जो किसी प्रकार से जानकारी नहीं रहती और ले लेते हैं, यदि प्लॉट ले लिया तो उनके साथ ये छल हो सकता है और आगे चल के भविष्य में उनके परिवार को भी दिक्कत हो सकती है। कोशिश करेंगे जो नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है, इस टाइप की चीज़ें और आगे ना हो वो हम रोकेंगे।